हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? हेलो एवरीबॉडी, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अनअकैडमी के चैनल पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन पब्लिक फाइनेंस। सो आई कैन सी सम स्टूडेंट्स, आलोक, हेलो बेटा, सॉरी अजोय, अजोय सुरेन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अविनाश, गुड इवनिंग रश्मि, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाउ इज एवरीबॉडी? चलो गुड गुड। तो आज पब्लिक फाइनेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल है आज भी, और हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज के सेशन के बाद आप डायरेक्ट प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अटन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कट रही है जिंदगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि आगे से टेलीग्राम चैनल में क्लास शुरू होने से पहले ही नोट शेयर कर दूँ। क्या क्या कहते हो? हेलो सिमरन, हाउ आर यू बेटा, गुड इवनिंग। हेलो अविनाश, हम अच्छे हैं बेटा, आप कैसे हैं? क्लास शुरू होने से पहले ही अगर मैं नोट शेयर कर दूँ एक घंटा पहले, ताकि आप अपने से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, एम आई राइट? क्या कहते हो? अगर क्लास करने से पहले मैं नोट शेयर कर दूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग उसको देख सकते हो, राइट? और कुछ डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है ना? चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी अनअकैडमी का कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, 3-in-1 ऑफर। अगर आप अनअकैडमी का कोर्स लेते हो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, तो आपको 10,000 की बुक्स मिलेगी, लोन आप अवेल कर सकते हो, और 2 months का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो। मेरा कोड PSING10 आप डाल सकते हो, ठीक है? तो ये मेरा कोड है, इसको यूज कर सकते हो, याद रखना, इट विल बी राइट। सो प्लस कोर्सेज में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स रिलेटेड एक्सेस होगा। और आइकॉनिक में अगर जाते हो तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल्स, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं। आप मेरा कोड डालना मत भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे कोर्सेज करेंगे मेरे कोड के थ्रू, तो मैं उनको पर्सनली 1-to-1 हेल्प करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो ये आपका देख सकते हो, 12 months का कोर्स 44,000 में है, एंड यहाँ पर आइकॉनिक थोड़ा सा महंगा है, बट आइकॉनिक में पर्सनल मेंटरिंग एंड गाइडेंस मिलता है। तो बेनिफिट्स अभी भी अवेलेबल है, और ये ऑप्शनल का कोर्स है, आप 10% डिस्काउंट लेके मेरा कोड डाल के 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। सीएससी कॉम्बैट 60 मिनट्स, 56 क्वेश्चंस, आप ये टेस्ट जरूर देना। देखो जो भी फ्री वाला पार्ट है उसको तो पक्का लो, फ्री क्लास, फ्री टेस्ट। आप लोग क्या है ना, वो थोड़ा 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 इधर पढ़ा, थोड़ा उधर पढ़ा, एक चीज उठाओ और ढंग से पढ़ो। ये मेरा पर्सनल, आप मेरी क्लास ईमानदारी से करो, मैं आपको बता रहा हूँ 2 महीने में आपकी लर्निंग इतनी हो जाएगी कि आपका प्रिपरेशन का कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। सिलेबस जो कवर होगा वो अपनी जगह कवर होगा। तो आप सभी लोग मेरा कोड यूज करके आप कॉम्बैट में आओ और टेस्ट करो, मेरे साथ शेयर भी करो, ठीक है? चलिए, तो 1 सितंबर से बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं, और ये प्रीलिम्स का कवरेज बैच है, मिशन AI ऑन करंट अफेयर्स के बैचेस हैं आपके। सिमिलरली 1-year and 2-year बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, GSK बाइलिंगुअल इंग्लिश, बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी। चलिए, तो सभी लोग अच्छे हैं, हाउ इज एवरीबॉडी? हेलो तनवीर, वैभव, विनाश, सिमरन, चलिए सब लोग हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बजट क्या होता है? बजट एक तरह का स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करता है। ये हमने कल डिस्कस किया था। बजट में 2 चीजें होंगी, आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का डिटेल, क्या खर्च क्या कर रहे हैं, और इनकम की डिटेल। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बजट है। बजट को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 2 तरह के बजट होते हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। अब याद रखिएगा, जहां शब्द रेवेन्यू आया, मोमेंट रेवेन्यू आया, रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू का मतलब हो गया रिकरिंग, ऐसा पैसा जो रिकरिंग है, बार बार आ रहा है या बार बार खर्च हो रहा है। तो 2 ही चीजें हो सकती है बजट में, या तो एक्सपेंडिचर होगा यानी खर्च होगा, या इनकमिंग होगा, या फिर इट विल कम या इनकम होगा। तो इसको हम रिसीप्ट्स बोलते हैं। तो रेवेन्यू बजट मतलब एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट दोनों रिकरिंग है, ठीक है? रिकरिंग है, बार बार हो रहा है। जहां वर्ड कैपिटल आएगा वन टाइम, याद रखिएगा। कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे ग्रांट आपका रेवेन्यू में जाता है, याद रखिएगा, ग्रांट आपका रेवेन्यू में जाएगा, ये एक बेसिक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा सभी लोग। कैपिटल वन टाइम, यस, स्टार्टिंग लाइफ अनअकैडमी
कुछ किए कारण हो सकते हैं बेटा, कई बार इंटरनेट इश्यू होता है, ठीक है, तो जान के कोई नहीं करेगा। चलिए यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो हमारे रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर, अब मुझे बताइए रेवेन्यू बजट में क्या क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू वाले रिसीप्ट्स, यानी रिसीप्ट्स ऐसा पैसा, रेवेन्यू है मतलब रिकरिंग होगा, बार बार होगा, ठीक है, पहला बात। दूसरी चीज, रिकरिंग के साथ साथ ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, यानी ये जो पैसा है इससे लोन नहीं, इसमें कर्ज नहीं आएगा, नॉन डेट क्रिएटिंग, यानी रिसीव जो पैसा होगा वो नॉन डेट वाला होगा, जैसे टैक्स इनकम और नॉन टैक्स इनकम, ठीक है। अभी टैक्स में आपका डायरेक्ट टैक्स आएगा, मैं परसों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, परसों डायरेक्ट टैक्स करेंगे, फिर नॉन टैक्स वाला एस्पेक्ट आ सकता है, ठीक है। यस अभिषेक, डेली एक्सपेंसेस, सैलरी, पेंशन, बिल्कुल वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। नॉन टैक्स में पीएसयू का प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट इनकम होगी, जो बार बार इंटरेस्ट इनकम हमेशा मिलती है, ठीक है, बैंक में पैसा एक बार डालो, इंटरेस्ट बार बार मिलेगा, तो ये ऐसा सरकार का पैसा जो बार बार आपको मिलता है रिसीप्ट में या इनकमिंग में, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो बार बार खर्च होता है, कमिटेड इन नेचर होगा। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन गाइस? कमिटेड मतलब एक्सपेंडिचर, जैसे एग्जाम्पल दीजिए सैलरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, डिफेंस का खर्चा, इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार लोन का इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट बार बार होगा, जब तक लोन खत्म नहीं होगा तब तक इंटरेस्ट पे करना होगा, इंटरेस्ट पेमेंट, देन सब्सिडीज, सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट पेमेंट, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? कमिटेड मतलब पीछा नहीं छोड़ना, हाँ एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कमिटेड एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा शब्द, ये किताब में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है आपको। एक और चीज, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये कंजम्पशन बेस्ड होता है, इकोनॉमी कहती है इसको कम करो, इकोनॉमिक लॉजिक कहता है इसको कम करो, इसको बढ़ाओ, इसको कम करो, इसको बढ़ाओ, कंजम्पशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड, नॉन प्रोडक्टिव, खर्चा नॉन प्रोडक्टिव होगा, इनकम तो प्रोडक्टिव है, इनकम हमेशा प्रोडक्टिव होगी, याद रखिएगा। क्लियर हुआ यहां तक? कोई कंफ्यूजन? एनर्जी डाउन है क्या? एनर्जी डाउन तो नहीं है? एनी डाउट? चलो वंडरफुल। अब कैपिटल बजट क्या हुआ? वैसे ही हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट, जहां शब्द कैपिटल आया याद रखना, वन टाइम, एक बार होने वाला, जैसे आपका लोन रिपेमेंट हो रहा है एक बार मिलेगा, सरकार ने किसी को लोन दिया है, लोन रिपे हो रहा है वन टाइम, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट वाला पैसा एक बार मिलेगा, हर बार नया पैसा मिलेगा, तो ये हो गया आपका नॉन बोरोइंग्स, और फिर इसमें बोरोइंग भी ऐड हो जाएगा, ऐड द बोरोइंग, तो बोरोइंग कहां आएगा? कैपिटल साइड आएगा, याद रखना, कैपिटल रिसीप्ट साइड जो है बोरोइंग होगा, रेवेन्यू साइड कभी नहीं जाएगा, रेवेन्यू नॉन डेट क्रिएशन है, कैपिटल डेट क्रिएशन वाला है, तो बोरोइंग कौन सा होगा? बोरोइंग दो तरह का हो सकता है, आपका एक्सटर्नल बोरोइंग या इंटरनल बोरोइंग, आगे मैं पब्लिक डेट कराऊंगा, याद रखना। अच्छा एक और चीज है, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है मैं रिमेनिंग जो हमारी बजट, हमारी जो सैटरडे की क्लास होगी मैं मैराथन सेशन लूंगा उसमें कवर करूंगा, ठीक है ना, तो उसमें जरूर आइएगा आप लोग। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर, कौन सा होता है एक्सपेंडिचर? प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम है ना, खर्चा एक बार होगा लेकिन इकोनॉमी को वो फीड करता है, रोड बना दिया, एक अच्छी रोड इकोनॉमी को हमेशा फीड करेगी, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो, क्योंकि रेवेन्यू कमिटेड है, कम करोगे तो काम चल जाएगा, गवर्नमेंट सैलरीज कम करने की कोशिश तो करती है लेकिन कर नहीं पाती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जरूर कम कर देगी, अभी देखो गवर्नमेंट जॉब कम कर रही है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर असेट क्रिएशन पे काम हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका कैपिटल बजट हो गया है। एनी कंफ्यूजन यहां तक? क्लियर है? डैम्स बिल्डिंग, यस यस,
रोड टोल इज इन, रोड टोल इज इन टैक्स। रोड टोल तो बेटा कंपनी को जाता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, बिल्कुल, डैम बिल्डिंग स्कूल्स R&D रिसर्च, ये सारा जो है इससे आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इट एनहेंसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। चलिए अब बजट की बात करते हैं। ये देखो बजट, पैसा कहां से आता है, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, देखो कहां से आ रहा है भाई, इनकम टैक्स 14%, कॉर्पोरेशन टैक्स 13%, जीएसटी 15%, सबसे ज्यादा जीएसटी से आ रहा है आजकल। सरकार के पास जो 1 रुपया आता है उसमें से 15 पैसा जीएसटी है। कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, पहले कॉर्पोरेशन टैक्स काफी ज्यादा था, अभी कम हो गया। एक्साइज ड्यूटी, अभी जो तेल तेल खरीदते हो ना 100 रुपए का, वो मैक्सिमम यहां जाता है एक्साइज ड्यूटी में। कस्टम कम है, नॉन टैक्स रेवेन्यू ये है। और देखो बोरोइंग, 1/3 से ऊपर बोरोइंग है, 1/3 सरकार बोरो कर रही है, यानी सरकार 1 रुपए खर्च करती है वो 1/3 को उसका बोरो कर रही है। लाइक करिए, शेयर करिए फटाफट, कम ऑन। हाँ भाई मजा नहीं आ रहा है, अभी पैसा कहां से आ रहा है ये क्लियर हुआ, इसको ढंग से देखो। बोरोइंग हमारा 1/3, 36% बोरोइंग है, ये क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। अब बात करते हैं रुपी खर्च कहां हो रहा है, रुपी गोज आउट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहां खर्च हो रहा है, फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर करती है स्टेट को, स्टेट को ट्रांसफर हो रहा है। ये देखो इंटरेस्ट पेमेंट सबसे बड़ा है, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन द लोन, आप जो इंटरेस्ट सरकार 20% जो अपनी कमाई का है वो इंटरेस्ट में दे देती है, यहां देखो ठीक है, तो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। फिर आपका देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सब्सिडी, डिफेंस, पेंशन और कोई एक्सपेंडिचर, तो ये सारा खर्च कहां हो रहा है, ये बजट से मैंने उठाया है, ये इस साल के बजट का है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पैसा खर्च कहां हो रहा है, पैसा आ कहां से रहा है, दोनों जरूरी है। चलो गुड, अगला अब देखो रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट कौन सा है, गवर्नमेंट का अपना इनकम, रेवेन्यू रिसीप्ट इनकम होता है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू मतलब इनकम, तो रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो एक्चुअल इनकम है टैक्स नॉन टैक्स से जो आ रही है सरकार, इसी से ये सरकार की रियल कमाई है, रेवेन्यू रिसीप्ट इज अ रियल इनकम। देखो पहले कितना था, लगभग 16-17 लाख करोड़ था, फिर 20 लाख करोड़ हुआ, फिर कोविड टाइम में कम हो गया, बहुत तेजी से कम हुआ, फिर बढ़ा, बढ़ रहेगा ये उम्मीद है बजट एस्टिमेट। तो लास्ट ईयर का एक्चुअल हो गया, लास्ट ईयर का बजट एस्टिमेट हो गया, करंट ईयर का, सॉरी करंट ईयर का बजट एस्टिमेट हो गया, ये 1 फरवरी को आया था, देखो 1 फरवरी। अब देखो ये सरकार का प्री कोविड लेवल में जो सरकार का पैसा आया था उतना भी नहीं पहुंचेगा 2021-22 में, यानी टाइम लगेगा पहुंचने में। कैपिटल रिसीव वन टाइम, कैपिटल रिसीट में बोरोइंग बहुत है, देखो याद रखा ठीक है, बोरोइंग देखो कितना है, देखो ये हमारा कैपिटल रिसीप्ट बजट जब कोविड नहीं आया था 2021-20 का, 2021 का, जब कोविड से जस्ट 1 महीने पहले, ये हमारा 10 लाख करोड़ था, और गवर्नमेंट ने जब एस्टिमेट किया, रिवाइज किया, तो 9 लाख करोड़ बढ़ा दिया, यानी गवर्नमेंट ने कोविड टाइम में 9 लाख करोड़ ज्यादा पैसा कर्ज लिया, मार्केट से उठाया, आरबीआई से लिया, जो भी लिया, तो ये 9 लाख करोड़ बढ़ गया। तो हमारा कैपिटल रिसीट में बोरोइंग भी इंक्लूडेड है, एक्चुअल गवर्नमेंट की जो इनकम है वन टाइम वो कम होती है, इसमें बोरोइंग ज्यादा होता है, तो हमको ये बोरोइंग वाला कम करना है, लेकिन कम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा है सरकार के पास। सरकार क्या कर रही है, सरकार मार्केट से मैनेज कर रही है, सरकार जो है मार्केट से ले रही है, फॉरेन से ले रही है, आपसे ले रही है, हमसे ले रही है, तो कैपिटल रिसीप्ट सबसे, ये पैसा कम होना चाहिए, कर्ज वाला पैसा कम होना चाहिए। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, टारगेट ही मीट नहीं हुआ, मालूम है डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना था, कितना था, 2.1 लाख करोड़, कितना हुआ, मात्र 10% सरकार के पास पैसा आया, कोविड में कुछ बिका ही नहीं ठीक है। अभी देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोविड टाइम में बढ़ गया, ये प्लान था लेकिन बढ़ गया, 4 लाख करोड़ बढ़ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ा के रखा है, ये रोड पे बनाना, हाईवे बनाना, तो गवर्नमेंट चाहती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम ना हो, कोविड हो चलेगा लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं होना चाहिए।
ये क्लियर हो रहा है सबको? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? सबको क्लियर? वंडरफुल। तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये कमिटेड है, सरकार इसको कम करना चाहती है, कम नहीं होता है। सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट अ सोल्यूशन। अजय बिल्कुल, ये यहां पर आएगा। डिसइन्वेस्टमेंट सोल्यूशन है बेटा, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है, ग्राहक नहीं है मार्केट में। सरकार बेचना चाहती है, सरकार रेलवे बेचना, रेलवे से रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है सरकार। नेशनल असेट मोनेटाइजेशन वही तो है। गुड इवनिंग अर्सलान बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का वो खर्चा, दो ही खर्चे होंगे, रेवेन्यू या कैपिटल। कैपिटल वन टाइम, ऐसा खर्चा जिससे रोड बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, गवर्नमेंट इसको बढ़ाना चाहती है। ये कमिटेड है सैलरी पेंशन, इसको सरकार कम करना चाहती है, लेकिन बढ़ गया कोविड टाइम में, बढ़ गया। ये देखो, ये कोविड, ये बजट का प्लान था, लेकिन जब कोविड में ये पूरा रिवाइज हो गया, ये बजट एस्टिमेट था, बाद में रिवाइज कर दिया, तो ये कोविड की वजह से बढ़ा है। टेस्टिंग का कॉस्ट बढ़ गया, यू नो, सारा सरकार को, स्टेट को देना पड़ गया अधिक। एयर इंडिया कोई नहीं खरीद रहा है। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया ना। अब देखो, एक चीज जरूरी है, सरकार घाटे में, सरकार इज इन डेफिसिट, और आज अब डेफिसिट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेफिसिट का मतलब सरकार घाटे में है, और सरकार घाटे में क्यों जाती है? सरकार घाटे में इसलिए जाती है कि सरकार खर्च ज्यादा करती है। भाई हम ना दें आपको राशन, ना दें, किसने कहा? किसने कहा गरीबों के अकाउंट में 500 रुपया डालिए? किसने कहा पीएम किसान करिए? किसने कहा भाई टॉयलेट बनवाइए? आज क्या है, हर घर जल, हर घर जल, हर घर में जल पहुंचा देंगे। आपको पता है गांव गांव में वाटर पाइपलाइन कनेक्शन हो रहा है, गांव गांव में। हजारों करोड़ का बजट है, लाखों करोड़ का बजट है 5 साल का, हर घर जल, हर गांव के अंदर जो है एक वाटर सप्लाई का जो है पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है, टैंक बनाया जा रहा है, पानी की टंकी बनाई जा रही, और फिर वाटर सप्लाई हो रहा है गांव गांव तक। तो गवर्नमेंट चाहे तो नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार का कमिटमेंट है, सरकार का कमिटमेंट है। हेलो नेहा बेटा, हाउ आर यू? तो सरकार का कमिटमेंट किससे है? सरकार का कमिटमेंट आपसे है, हमसे है। हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है हम आपको हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट कहती है हम आपको एम्पावर करेंगे, गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको एम्पावर करेंगे, लेकिन बदले में हमें वोट देना। कमिटमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे आपके बीच, सरकार और आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है आप हमारे लिए काम करो, हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमें वोट देना, लेकिन आपकी जरूरतों को हम मीट करेंगे। एक तो ये है, दूसरा एक कमिटमेंट है वेलफेयर स्टेट का हमारा। कल को आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, आपका कमिटमेंट होगा कॉमन लोगों के प्रति, आपका कमिटमेंट होगा कॉमन पीपल के प्रति। क्या? वेलफेयर करना। और याद रखिएगा, हर वो इंडिविजुअल जिसको वेलफेयर जा रहा है वो डिपेंडेंट नहीं है, वो उसकी राइट है, उसका राइट है टू गेट दीज बेनिफिट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट कहता है कि हर इंडिविजुअल इस स्टेट का बच्चा है, एवरी इंडिविजुअल इज द चिल्ड्रन ऑफ दिस रिपब्लिक। इज दैट क्लियर? सेंट्रल बजट बेटा, कॉन्सेप्ट अजर एक ही है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और स्टेट का बजट देख लीजिए, ठीक है ना? फ्री कॉस्ट, हर घर जल। बेटा एक बात याद रखिएगा, देखिए, फ्री हो चाहे ना फ्री हो, अभी मिडिल पे हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग तो टैक्स पे करते हैं, लेकिन सरकार कहती है भाई आपको टैक्स तो पे करना होगा, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो सरकार चलेगी नहीं, और सरकार चलेगी नहीं तो दुर्व्यवस्था हो जाएगी, अनार्की हो जाएगी। तो हम तो टैक्स पे करेंगे, लेकिन एक कमिटमेंट यह भी है कि आप इंपावर करिए मासेस को, ताकि सभी लोग टैक्स पे करें। एक गरीब कल को मिडिल क्लास बने, मिडिल क्लास जो है वो अपर मिडिल क्लास बने, अपर मिडिल क्लास जो है रिच बने, ठीक है ना? तो ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, और ये स्टेट का कमिटमेंट होना चाहिए हर उस इंडिविजुअल से, ठीक है? कल को आप सर्विस में जाओगे, आईएएस बनोगे, तो आपका कमिटमेंट होगा। अब बात करते हैं डेफिसिट की। डेफिसिट क्या होता है? इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर। सरकार हमेशा डेफिसिट में रहती है, क्यों? बिकॉज ऑफ वेलफेयर कमिटमेंट। सरकार चाहे तो कम कर सकती है भाई, किसने कहा? लेकिन सरकार कहती है हम कम नहीं करेंगे, लोन माफ करेंगे, मुफ्त बिजली देंगे, हैंडपंप बांटेंगे, पानी की टंकी बांटेंगे, सब कुछ करेंगे।
आपके अकाउंट में पैसा देंगे, कहेंगे ये सम्मान निधि है, पैसा टैक्स पेयर का है बट वो सम्मान निधि है, ठीक है, और वो भी खुश है भाई, सब खुश, वोट पड़ेगा बढ़िया, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? अभी लाइक नहीं किया तुम लोगों ने यार, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन देखते हैं निकलता है कि नहीं, कम ऑन क्विकली रिवाइज करते हैं कल वाले क्वेश्चन है, कम ऑन क्विकली, कॉन्सेप्ट आज छोटा सा है, डेफिसिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कैपिटल रिसीव्ड, यानी पूंजी रिसीव जो होता है वो कौन कौन सा है। कैपिटल रिसीव याद रखिएगा, वन टाइम बोरोइंग और नॉन बोरोइंग दोनों होगा, ठीक है। मनी accrued फ्रॉम सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड टू पब्लिक, गवर्नमेंट बॉन्ड पब्लिक को बेचा जाता है तो सरकार को पैसा आता है, कौन सा होगा? बोरोइंग। तो ये होगा बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक, बिल्कुल, मोनेटाइज डेफिसिट बोलते हैं, ये भी सही होगा। लोन रिकवर्ड, जो स्टेट ने, गवर्नमेंट ने लोन दिया है, नॉन बोरोइंग, लोन रिकवरी भी एक होता है, तीनों होगा। आंसर क्या होगा? डी। वंडरफुल वंडरफुल। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, करप्शन तो है बेटा, मानते हैं ये कॉन्सेप्ट। चलिए, अगर ये क्वेश्चन सही हो रहा है तो आए क्वेश्चन भी सही होंगे, याद रखिएगा। अगला सवाल, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ऐसा खर्चा जो वन टाइम है, ऐसा खर्चा जो इकोनॉमी को इंप्रूव करता है, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ऐसा खर्चा वन टाइम है, रोड बनाया वन टाइम, स्कूल बनाया वन टाइम, यूनिवर्सिटी बनाया वन टाइम, मेडिकल कॉलेज बनाया वन टाइम, बट हमेशा आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लोन फॉरवर्डेड टू इंडियन स्टेट, गवर्नमेंट को, स्टेट को लोन दिया ताकि वो डेवलपमेंट कर पाए। अच्छा, वो डेवलपमेंट करें चाहे ना करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, और जो लोन दिया तो लोन में इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंटरेस्ट इनकम विल बी गिवन। तो जैसे ही आपने लोन दिया, इंटरेस्ट इनकम होगा। एक्सपेंडिचर ऑन मॉडर्नाइजेशन, बिल्कुल सही। डिफेंस में कॉन्ट्रडिक्शन है, अब सही हो रहा है बेटा, आ जाए, कल को आप जाओगे। चलो गुड, यहां तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन? बिंदास। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार, आर मतलब रेवेन्यू, आर मतलब रिकरिंग, रिकरिंग मतलब बार बार, कमिटेड, सैलरी, पेंशन, ठीक है, कमिटेड होगा, आपने कमिट कर दिया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, कमिट कर दिया आपने, शादी करते हो ना तो कमिटमेंट है, बीवी का ख्याल रखोगे, बच्चों का ख्याल रखोगे, अब वो कुछ करें चाहे ना करें, आपका रेस्पेक्ट करें चाहे ना करें, उसी तरह से सरकार का कमिटमेंट है, सरकारी नौकरी में सैलरी सबको मिलेगी, पेंशन मिलेगा, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, बिल्कुल। ग्रांट्स गिवन टू फॉरेन कंट्री, याद मैंने क्या कहा था, ग्रांट हमेशा रेवेन्यू साइड आएगा, वो इनकम हो या एक्सपेंडिचर, दोनों में, तो ग्रांट ये भी होगा, सब्सिडीज ये होगा आंसर। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, राइट? चलो सही हो तुम लोग, मस्त, कमिटमेंट, ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। चलो, यहां तो पहले आके इसको मुझे फॉलो करो, यहां पे मेरा प्लस कोर्स है, जो लोग प्लस स्टूडेंट है मुझे फॉलो करो, कल से क्लास है मेरा, और प्लस कोर्स में आओ सभी लोग। अभी प्लस कोर्स में आपको आना है, कहां आना है ये देखो, आज जो टेस्ट है जुडिशरी पे, छोटा सा टेस्ट है, और कल एक टेस्ट है इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी पे, इस दोनों को करना है सब लोग याद से, 10:15 बजे, आधे पौन घंटे का टेस्ट है, ठीक है, सभी लोग आएंगे ना, सभी लोग याद रखना टाइम 10:15 आज और 10:15 कल। चलो अब बात करते हैं डेफिसिट की, डेफिसिट मतलब घाटा, डेफिसिट मतलब घाटा, अभी डेफिसिट मतलब घाटा, रेवेन्यू आपका डेफिसिट में क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है, खर्च आपके ज्यादा हो जाते हैं रिसीप से या इनकम से, कह लीजिए, ठीक है ना, खर्च ज्यादा है डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है रेवेन्यू रिसीव से। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू रिसीव कौन सा पैसा है, बताओ रेवेन्यू रिसीव कौन सा पैसा है, कम ऑन टेल मी,
रेवेन्यू रिसीप्ट कौन सा पैसा है, टैक्स नॉन टैक्स, रेवेन्यू रिसीप्ट आपका इनकम है, सरकार का एक्चुअल इनकम है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का एक्चुअल खर्चा है कमिटेड। यानी सरकार अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रेवेन्यू डेफिसिट कर रही है, इसका मतलब सरकार अपने खर्चे को भी मीट नहीं कर पा रही है, अपने जो कमिटेड खर्चे हैं उनको भी मीट नहीं कर पा रही है। समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, टेस्ट नहीं दे पाएंगे वाला। वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या असर होगा बेटा, समय बताएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो अनार्की होगी, वर्ल्ड इकोनॉमी कुछ फर्क नहीं आएगा। अफगानिस्तान छोटा सा कंट्री है, कुछ वैसे भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था, कर्जा ही था उसके ऊपर। चलिए, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव, यानी आपका ये खर्चा, सरकार अपने कमिटेड खर्चे को मीट नहीं कर पाती है। आइडली रेवेन्यू डेफिसिट जीरो होना चाहिए बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, इसका मतलब सरकार लॉस में चल रही है और डेफिसिट कर रही है, यानी अपने एक्चुअल इनकम से भी उसका एक्चुअल खर्चा कहीं ज्यादा है। डेवलपमेंट कहां करेगी? जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो डेवलपमेंट मुश्किल होगा, नो डेवलपमेंट, फिर सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए भी कर्ज देना पड़ेगा, यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अगला, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट में से सरकार जो ग्रांट का पैसा देती है स्टेट में, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको जो है कैपिटल एरिया में खर्च करती है, कैपिटल असेट्स में। तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को 1,00,000 करोड़ दिया, लेकिन ये जो दिया ये ग्रांट साइड दिया, और ग्रांट कहां आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। लेकिन ये जो 1,00,000 करोड़ स्टेट्स को दिया, स्टेट ने उसको यूज किया कहां पे? रोड बनाने में। कहां पे? हाईवे बनाने में, ठीक है, या फिर अर्बन डेवलपमेंट में। तो आप देखो ना, ये जो खर्चे हैं ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्चुअली देखा जाए तो दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट जब सरकार अपने बजट में देखती है तो वो रेवेन्यू साइड है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वो कैपिटल में खर्च कर रही है। तो सरकार कहती है भाई हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कम है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? एक्सक्लूडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि ग्रांट में कैपिटल एसेट क्रिएट करने में खर्च हुआ है। ये क्लियर हुआ? हाँ बेटा, प्राइवेटाइजेशन इसलिए नहीं, नहीं, सरकार की वेलफेयर खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट टू स्टेट्स यूज फॉर कैपिटल एसेट। ये इनोवेशन है सरकार को बताने का कि भी हमारा डेफिसिट कम है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, उनका रेवेन्यू साइड है एक्सपेंडिचर, लेकिन ये सरकार ने खर्च किया इरिगेशन पे, अर्बन डेवलपमेंट पे, ये सारा। अब आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल रिसीव्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ये टोटल रिसीव, लेकिन इनकम नेट ऑफ बोरोइंग होना चाहिए, यानी बोरोइंग वाला नहीं होना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का घाटा, एक्चुअल घाटा, दिस इज द टोटल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट को ऐड कर दिया और बाकी सारे डेफिसिट को ऐड कर दिया तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। अभी फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है, इधर ध्यान देना, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा? टोटल रिसीप्ट, नॉन बोरिंग वाला, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अभी टोटल रिसीप्ट क्या होगा नॉन बोरिंग वाला? एक होगा रेवेन्यू रिसीप्ट, और दूसरा कौन सा होगा? कैपिटल रिसीप्ट नॉन बोरिंग वाला, ठीक है। तो टोटल रिसीप्ट नॉन बोरिंग क्या होगा भाई? टोटल रिसीप्ट आपका एक्चुअल इनकम है, रेवेन्यू साइड वाला और कैपिटल साइड वाला, और टोटल एक्सपेंडिचर थोड़ा खर्चा है, दोनों का डिफरेंस हो गया फिस्कल डेफिसिट। ये सरकार को मैनेज करना है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का टोटल रिसीव जो नॉन बोरोइंग वाला है, यानी रेवेन्यू साइड वाला और कैपिटल साइड वाला, कैपिटल में नॉन बोरोइंग होगा, बोरोइंग बाहर हो जाएगा, और जो कमी है वही हमको मैनेज करना है।
इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी फिस्कल डेफिसिट में हम लोग रिसीव्ड हमेशा नॉन बोरिंग वाले लेते हैं, जो एक्चुअल इनकम है। अब आपको मान लो बिजनेस करने जा रहे हो और आपको 5 लाख चाहिए, 2 लाख आपकी सेविंग हो गई, 1 लाख आपने पापा से ले लिया और 2 लाख आपने लोन ले लिया, लेकिन आपकी एक्चुअल जो रिसीप्ट है वो 3 लाख ही है, ये 2 लाख आपको लोन लेना पड़ रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट इज द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। चलो क्वेश्चन लगाओगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड नीड, वो बताता है कि भाई इतना परसेंटेज हमारे जीडीपी का नुकसान हो रहा है। चलिए अभी फिस्कल डेफिसिट कितना है, लास्ट ईयर टारगेट हमने 6.8 रखा था, अभी सॉरी इस साल का टारगेट हमने 6.8 रखा है, देखो मीट कर पाती है नहीं। कोविड के टाइम फिस्कल डेफिसिट 9.5% ऑफ जीडीपी पहुंच गया था, 6% इंक्रीज, इससे पहले 3.5% था, तो 6% बढ़ गया। कोविड 19 की वजह से सरकार का घाटा एकदम से बढ़ गया। चलिए डायग्राम देखिए, ये देखिए फिस्कल डेफिसिट का टेबल, इसको देखिए 10 सेकंड फिर समझाता हूं। अभी देखो डेफिसिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, यहां कम हुआ फिर एकदम से बढ़ा, एकदम बढ़ गया। तो ये तो कोविड की वजह से बढ़ा है लास्ट एक साल में, अब फिर गवर्नमेंट इसको कम करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो डेफिसिट कम हो रहा है, देखो यहां कम हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, याद रखना फिस्कल कंसोलिडेशन। आप बजट को, आप डेफिसिट को कम कर रहे हो, घाटे को कम कर रहे हो धीरे 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 धीरे, लेकिन इधर से एक्सपैंड हो गया, तो इसको हम लोग फिस्कल एक्सपेंशन बोलते हैं। ये खराब है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इतना पैसा, पैसा कर्ज लोगे तो कल को वापस करना होगा, लोगे तो चुकाना पड़ेगा, और सरकार तो डिफॉल्ट कर नहीं सकती है। बिल्कुल सही बात है, ओवर इंडियन स्टॉक मार्केट बेटा बबल में रह रहा है, फूटेगा बबल, वैल्यू ओवर वैल्यू हो गया है, किसी की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है एग्जाम्पल देता हूं, बिहार का एक गांव का बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, माता पिता ने कहा मेरा बेटा तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, शादी में उसका बजट बढ़ गया, बाद में आईएएस का एग्जाम नहीं निकला। वैसे ही स्टॉक मार्केट हो रखा है, ऊपर जा रहा है, बबल फूट भी सकता है, तैयार रहना। क्लियर हुआ? तो बिहारी बाबू, बिहारी बाबू तैयारी करने आए दिल्ली, अच्छी बात है, हम भी जाते हैं, सभी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि बिहार से सिलेक्शन भी अच्छे खासे होते हैं, याद रखना। आईएएस नहीं निकला, आईएएस नहीं निकला, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, बजट बढ़ गया। ठीक है चलो यहां तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन गाइस? एनी कंफ्यूजन? चलो इंडियन स्टॉक मार्केट का बबल है बेटा, बबल फूटेगा, अब ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से स्टॉक मार्केट बढ़ नहीं रहा है। तो डेफिसिट, अब एक और डेफिसिट है, लास्ट दो डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। कौन सा इंटरेस्ट? सरकार जो इंटरेस्ट पे करती है। अब जब सरकार कर्ज देती है, जब लोन अपना डेट वापस करती है, डेट में दो चीजें होता है, ओल्ड रिसीप्ट्स या ओल्ड इंटरेस्ट पेमेंट, ओल्ड लोन का इंटरेस्ट पेमेंट और न्यू बोरोइंग्स। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बता रहा है, फिस्कल डेफिसिट क्या रहा है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट मतलब प्राइमरी डेफिसिट हो गया। इसका मतलब हो गया एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी मतलब करेंट बोरोइंग, आप इस साल कौन सा बोरो करने वाले हो। आपके पास आपका पर 10 लाख लोन था, इसका इंटरेस्ट आप दे रहे हो मान लो 1 लाख रुपए, अब आपने इस साल 3 लाख और आपने 4 लाख वापस किया, 4 लाख वापस किया, 4 लाख में से 1 लाख आपने इंटरेस्ट दिया और 3 लाख आपने नया कर्ज दिया, वो 10 लाख जो है वो अलग है, वो देना ही है। तो प्राइमरी डेफिसिट बताता है कि इस साल जो आप पे करने वाले हो वो 1 साल का पुराना इंटरेस्ट और नया लोन जो इस साल लेने वाले हो। तो प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि करंट ईयर की बोरोइंग क्या होगी,
एमसीक्यू बस इसके बाद है बेटा, बस एमसीक्यू, बस 2 मिनट बाद। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझ लो, यूपीएससी का क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली आता है। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लाइबिलिटी, जो सरकार इंटरेस्ट पेमेंट करती है वो होगा प्राइमरी डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट किसके बराबर होता है, न्यू बोरोइंग्स के बराबर होता है, जो इस साल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज न्यू बोरोइंग। क्लियर हुआ? अभी मैं देखो सैटरडे को मैं एक सेशन लेने वाला हूं, इसमें हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, या देख लेते हैं मैराथन सेशन आगे करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाए। चलो, मोनेटाइज डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट वो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है, जो आरबीआई गवर्नमेंट से मांगती है। गवर्नमेंट कहती है आरबीआई से कि हमको फिस्कल डेफिसिट, हमको पैसा चाहिए, हमारा घाटा में है, तो हमको आप प्रिंट करके पैसा दो या कहीं से भी दो, तो इट इज दैट पार्ट मोनेटाइज, आरबीआई मोनेटाइज करेगी, मनी आ जाएगा, मनी मतलब मोनेटाइज, तो आरबीआई मोनेटाइज करेगा किसको, गवर्नमेंट को, प्रोवाइडेड पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट डिपेंड करेगी सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, और इस तरह से आरबीआई पैसा रेज करती है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बेटा, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब यह हुआ टोटल आपका टोटल घाटा 10 लाख है, इसमें से 6 लाख आपको ओल्ड इंटरेस्ट पे करना है पुराने लोन का, ये डेफिसिट है, और आप 4 लाख न्यू लोन ले रहे हो, ये ओल्ड इंटरेस्ट पेमेंट करना है ओल्ड लोन पे, और न्यू जो है आपका न्यू लोन है, तो ये जो 10 लाख है यही फिस्कल डेफिसिट है। 10 फिस्कल डेफिसिट के दो पार्ट होंगे, एक तो नई बोरोइंग और पुराना इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है ना, तो प्राइमरी डेफिसिट में हम ये हटा देते हैं, ये न्यू बोरोइंग आ जाता है। एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, समझ में आएगा वैभव, अभी मैं इस पे टेस्ट लूंगा प्रॉपर, बजट पे प्रॉपर टेस्ट होगा, याद रखना, बजटिंग पे टेस्ट होगा, और यूपीएससी का सवाल निकलेगा, याद रखना, बस करंट अफेयर पढ़ना होगा। यहां तक क्लियर है? वैभव क्लियर हुआ बेटा? प्रॉब्लम ऑफ प्रिंटिंग मनी, हाँ बेटा, प्रिंटिंग करना पड़ता है मनी को। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब सरकार फिस्कल डेफिसिट में से पुराने इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देती है, तो न्यू बोरिंग्स हो जाता है। चलिए, तो अभी हमको क्या करना है, मोनेटाइज, गवर्नमेंट ने मार्केट बोरोइंग 12 लाख करोड़ का रखा है इस साल, ठीक है ना, तो ये कवर हो जाता है। अब ये देखो यहां पर इस टेबल को ध्यान देना, फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारा, 6.8% ऑफ जीडीपी, यानी 1% जीडीपी कितना होता है, 2 लाख करोड़, 1% जीडीपी का 2 लाख करोड़, भारत की पूरी जीडीपी कितनी है, 200 लाख करोड़ की, ठीक है, तो इसका 1% हो गया 2 लाख करोड़, यानी सरकार 9.5% डेफिसिट, मतलब कितना हुआ, 19 लाख करोड़ का गवर्नमेंट डेफिसिट में थी कोविड के टाइम, और रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा था। देखो प्राइमरी डेफिसिट ये है, ठीक है ये, और इस साल सरकार जब ये खत्म होगा, जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जब ये चल रहा है, तो सरकार चाहती है यहां तक पहुंच जाए, डेफिसिट को 6.8 कर दे, रेवेन्यू डेफिसिट को 5.1 कर दे, और प्राइमरी डेफिसिट को 3.1 कर दे, ठीक है। अब देखो यहां पे प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट 9.5%, सोचो फिस्कल डेफिसिट 9.5% है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू कितना हुआ, न्यू बोरोइंग्स, तो देखो ये 5.9 जो है न्यू बोरोइंग्स होगा, न्यू करंट ईयर बोरोइंग, तो प्राइमरी डेफिसिट शो करता है, याद रखना, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू करंट ईयर बोरोइंग, ये कोविड से हुआ है बेटा, नॉर्मली प्राइमरी डेफिसिट आपका 1.2% के बीच होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, सरकार न्यू बोरोइंग कम कर रही थी, अपने कर्ज को कम कर रही थी, जैसे जैसे अपना डेट कम करोगे, पब्लिक डेट पे क्लास लूंगा उससे ज्यादा क्लियर होगा, 12 लाख करोड़ सोचो, ठीक है यहां तक क्लियर है। चलो क्वेश्चंस लगाते हैं, लेट्स सॉल्व। कौन सा बेटा अरसलान, क्या रिपीट करें,
ये वाला। अच्छा ये टेबल समझ में आया कि नहीं आया बताओ। फिस्कल डेफिसिट पूरे इकोनॉमी का डेफिसिट, कितना डेफिसिट है, कितना हमें देना है इस साल। डेफिसिट मतलब इतना हमें कम पड़ रहा है पैसा इस साल का। फिस्कल डेफिसिट एक ईयर का होता है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जो रेवेन्यू वाला इनकम है और रेवेन्यू वाला खर्चा है उसका डिफरेंस। तो मैक्सिमम खर्चा रेवेन्यू डेफिसिट वाला ही होता है। जो हमारा बजट होगा लगभग 30 लाख करोड़ का होता है, उसमें रेवेन्यू डेफिसिट ही ज्यादा होता है। और प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया, न्यू बोरोइंग, करंट ईयर बोरोइंग। यहां तक क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन लगाओ, दो क्वेश्चन है तो क्लोज फॉर द डे। अरसलान बेटा क्लियर हुआ आपको, नहीं क्लियर हुआ? ओके सिमरन ने आंसर कर दिया। ओके ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू मतलब रिकरिंग, क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, बिल्कुल इंटरेस्ट अर्निंग होता है। अर्निंग बाय पीएसयू, बिल्कुल प्रॉफिट ऑफ पीएसयू। ग्रांट क्या कहा था, ग्रांट कहां जाएगा, रेवेन्यू साइड या कैपिटल साइड? ग्रांट विल ऑलवेज गो इनटू, कम ऑन कम ऑन, ग्रांट विल ऑलवेज गो इनटू, ग्रांट कहां जाएगा, रेवेन्यू साइड जाएगा। यस, तो ये रेवेन्यू रिसीव का पार्ट है। कोई बाहर का इंडिया को ग्रांट करता है, यूएस ने कह दिया ये लो भाई 1000 करोड़, पहले मिलता था अब मिलना बंद हो गया है। जब हम लोग गरीब थे तो हर साल ग्रांट मिलता था, अभी कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। 100-150 करोड़, 1000, 1200, 1500 करोड़ मिलता है, पहले हजारों करोड़ मिलता था। डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? ग्रांट हमेशा रेवेन्यू साइड होगा, याद रखना, ये एक्सेप्शन है। ग्रांट विल ऑलवेज बी ऑन द रेवेन्यू साइड, इट इज एन एक्सेप्शन। तो ये थर्ड वाला बेटा थोड़ा सा, अब देखो ग्रांट दो तरह का होगा, याद रखना। एक ग्रांट जो इंडिया रिसीव कर रहा है, भारत रिसीव कर रहा है, और एक ग्रांट जो इंडिया दे रहा है। भाई हम किसी को दे रहे हैं, हमने हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर दिया नेपाल को, हमने बांग्लादेश को एक हॉस्पिटल गिफ्ट कर दिया, ग्रांट कर दिया, या 100 करोड़ दे दिया कि हाँ भाई इससे आप लोग कुछ कर लो। तो इंडिया दे रहा है तो ये खर्च हो रहा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड होगा। ग्रांट हमेशा रेवेन्यू साइड होगा, ग्रांट रिसीव हुआ रेवेन्यू रिसीव साइड होगा। ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्रांट वन टाइम ही मिलता है, लेकिन वन टाइम वाला नॉर्मली कैपिटल साइड होता है, लेकिन ग्रांट हमेशा रेवेन्यू साइड होगा, याद रखना। क्लियर हुआ? अब गलती नहीं होगी सिमरन, क्लियर हुआ सबको? चलो एक और क्वेश्चन। अच्छा कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। करंट कॉन्टेक्स्ट में जरूरी इसलिए क्योंकि ये काफी हम इसको यूज कर रहे हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट बजटिंग पे टेस्ट होगा अच्छे से। ओके चलो सिमरन ने आंसर किया, बाकी लोग मोनेटाइज डेफिसिट। देखो जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये फिस्कल डेफिसिट है, बाकी सारे डेफिसिट इसी में आ जाएंगे। ये प्राइमरी डेफिसिट है, ये मोनेटाइज डेफिसिट है, ठीक है, ये रेवेन्यू डेफिसिट है। तो मोनेटाइज डेफिसिट पहली बात तो फिस्कल डेफिसिट का पार्ट होगा, यानी ए बाहर हो गया, ठीक है, विच इज प्रोवाइड बाय आरबीआई, तो आरबीआई आ गया, तो आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर हुआ? आंसर इज सी, ठीक है। किसको क्लियर नहीं हुआ? सिमरन बेटा क्लियर हुआ? सुप्रिया एमसीक्यूज कराएंगे बेटा, स्पेशल क्लास में कराएंगे। देखो गवर्नमेंट बजटिंग तैयार कर लो, अभी गवर्नमेंट बजटिंग कर लेता हूं, फिर स्पेशल क्लास में एमसीक्यू टेस्ट होगा, याद रखना। सब लोग को वहां पर ऐप पे आके टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वहां टेस्ट का फीचर ज्यादा अच्छा है। यहां पर भी टेस्ट करूंगा बट मेन टेस्ट वहां पर होगा, इज दैट क्लियर?
चलिए इंटरेस्टिंग है, समझ में आया? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? फिस्कल डेफिसिट, सारा डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का पार्ट होता है, याद रखना। चलो बाकी रोज मिलेंगे, डाउट्स तो लूंगा ही मैं। प्रोवाइड बाय आरबीआई एज लोन, बिल्कुल सर। आरबीआई कोई पैसा मुफ्त में नहीं देगा बेटा, सरकार को कहेगा सर ले तो लीजिए लेकिन वापस देना पड़ेगा। चलिए तो सभी लोग थैंक यू वेरी मच। अनअकैडमी चुनौती में बिल्कुल आइए, 6 सितंबर, सितंबर में स्टार्ट हो गया है। मेरा कोड डालिए, जो फ्री टेस्ट सीरीज है तुम लोग यूज करो ढंग से, और मेरा कोड डालना होगा, ठीक है ना? चलो तो थैंक यू वेरी मच, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, आपको डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पुट करिए। मैं डेली कमेंट सेक्शन देखता हूँ, कल नहीं देख पाया लेकिन मैं रोज देखता हूँ और मैं उनको आंसर भी करूंगा, ठीक है? चलिए तो आज मिलते हैं, कितने बजे मिलेंगे? 10:15 PM पे, 10:15 PM। जुडिशरी रिवाइज करके आइएगा, अभी टाइम है। जुडिशरी पे एमसीक्यू लगाएंगे, 20 क्वेश्चन लगाएंगे, पूरा जुडिशरी क्लियर हो जाएगा। यूपीएससी का जुडिशरी का क्वेश्चन अगर आया तो कट टू कट निकल जाएगा। एवरीबडी नोट इट डाउन, 10:15 PM जुडिशरी, सबको आना है। चलिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शब्बा खैर, कल मिल, अरे रात में मिलते हैं।